सदन में लोगों को अपने व्यवहार की समीक्षा भी करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, देखिए मैं तो कहता हूं संसद को छोड़ दीजिए, हर आदमी के व्यवहार की ही एक काउंटिंग होती है, उसकी गुणवत्ता, उसके विद्वता उसी से काउंट होती है कि भाई वो उसका व्यवहार कैसा है। अगर आदमी का व्यवहार सार्थक होगा, रचनात्मक होगा और एक नवनिर्माण की तरफ अग्रसर करेगा व्यक्तित्व उसका, तो जाहिर सी बात है कि उसका खुद के व्यक्तित्व में इजाफा होगा और साथ ही किसी दल में अगर इस तरह के लोग मिलते हैं जो एक सार्थक चर्चा चाहते हैं और बहुत अच्छे आगे की बहस चाहते हैं। क्योंकि आज भी हम याद करते हैं ममता बनर्जी इस समय मुख्यमंत्री हैं, लेकिन ममता बनर्जी जब संसद की सदस्य हुआ करती थी तो सार्थक चर्चा में भाग लिया करती थी। ऐसे ऐसे सांसद हैं जिनका नाम हम ले सकते हैं कि उन्होंने इतने जबरदस्त मुद्दे उठाए जिनको जिनकी वजह से बहुत सारी नीतियां बनी, बहुत सारे कार्य। बिल्कुल है विनोद जी, कांग्रेस में भी बहुत अच्छे अच्छे वक्ता हैं, बहुत अच्छे अच्छे बातें करने वाले लोग हैं और ऐसी बीजेपी में भी, ऐसी और दलों में भी है, लेकिन बात तो यह है कि सदन में जो बात होनी चाहिए वो सदन में नहीं हो रही है। सदन में आजकल गुस्सा झलक रहा है, जिस तरीके का गुस्सा आजकल डिबेटों में भी चल रहा था लगातार, और वही गुस्सा धीरे धीरे कर सदन की तरफ भी जा रहा है, और ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में इस तरीके की स्थितियां और ज्यादा दिख सकती है।